जी तो दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर विलो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्टैंड अप्स हो रहे थे, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो हमारे जो से बजीज है, उन्होंने पहले एक्स दिए थे, आप वो देख सकते हैं, वो छोटे छोटे बजीज। तो जब मैंने आज इनका आके कवर रिमूव किया, तो आप देख सकते हैं वो छोटा बेबी बजीज, तो देख सकते हैं वो बाहर निकल आया था और वो कोने में बैठा हुआ है। तो अभी वो फीड भी नहीं खा रहा, क्योंकि शायद रात के टाइम वो कहीं गिर गया, अभी उसकी एज नहीं है बाहर आने की। तो जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। तो बाकी आप देख सकते हैं बजीज खाना वगैरह खा रहे हैं, ये देखें बेबी बजीज, ये देख सकते हैं ये भी बेबी बजीज हैं, और इस केज में भी हमारे बेबी बजीज हैं। तो हमारा जो सा बेबी बजीज आया वो इस केज से बाहर आया, तो वो कोने में बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं ना, वो खाना खा रहा है। तो जल्दी से उसे निकालते हैं और उसको उसके घर में वापस रखते हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो। देख सकते हैं अभी डरा हुआ है, तो जल्दी से इसे निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। मैंने बजीज निकाल लिया, अभी बिल्कुल साथ साथ हो रहा है, मैं इसलिए छोड़ नहीं रहा कहीं गिर ना जाए। तो अभी मैं प्रॉपर हैंडल करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये था बजीज जो बाहर आ गया हुआ था अपने केज से। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं छोटी सी एज में इतना देखें ना नाम। तो अभी इसे कुछ देर धूप में रखते हैं और फिर अंदर वापस रखते हैं। जी तो मैंने बेबी बजी को धूप में रखने की कोशिश की, बट ये स्टिल मेरे हैंड पे ही है, मैंने नीचे रखा है, लेकिन वो ऊपर आ जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी कुछ देर इसे हम धूप में रखेंगे, फिर दोबारा इसके घर हम रखेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अभी ये टॉवल पे मज़े से बैठा हुआ है, तो कुछ देर बाद जब ये प्रॉपर हीट ऑब्जर्व कर लेगा, तो तब हमें इसे इसके केज में वापस रखेंगे। तो तब तक डोंट स्किप दैट लोग। तो मैं आपको इनके हीट का सिस्टम दिखाता हूँ कि मैं इन्हें किस तरह हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा केज काफ़ी साइड पे है, ये इधर कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं है, तो इनके हीट प्रोवाइड करने के लिए देख सकते हैं मैंने कितनी लंबी वायर लगाई है। इधर से होती है, आप देख सकते हैं ऊपर जा रही है प्रॉपर, और ये लास्ट में इनके केज तक पहुँच रही है। तो विंटर में खासकर आपको अपने बजट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, कहीं इन्हें सर्दी भी ना लग जाए। सो इसे थोड़ी देर धूप में रखते हैं, दोबारा इसके मटके में इसे रखते हैं। सो डोंट स्किप द वीडियो। दोनों बजीज ने एग दिए हुए थे, मैं स्टैंड अप की मसरूफियत की वजह से व्लॉग नहीं बना सका। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये सामने वाले भी बजीज हैं, ये भी बेबी बजीज है, जिनसे इस टाइम बाहर है, ये भी हमारा बेबी बजीज है। तो मजीद आपको दिखाते हैं बाद में। तो अभी जल्दी से रखते हैं अपने बजी को उसके घर में। फाइनली हमने अपने बेबी बजी को उसके घर में उसे रख दिया है। तो उसकी मदर आप देख सकते हैं, उसी टाइम उसे फीड देने आई है, ये देख सकते हैं ये उसकी मदर है। तो उसी टाइम वो फीड देने गई है, क्योंकि वो सुबह से बाहर था, तो अभी खुद फीड करने की कंडीशन में नहीं था, अभी वो छोटा था। तो इधर मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।